सांसद दर्शनाबेन जरदोश हाल अभी इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से चलकर सूरत अभी आप एयर एशिया से फ्लाइट से उतरे हैं, कैसा लग रहा है और आगे क्या कुछ प्लानिंग है? मैं अपने आप को बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ सूरत की सांसद होने के नाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री होने के नाते एयर एशिया की पहली फ्लाइट में दिल्ली से सूरत तक आई और बहुत अच्छा सफ़र रहा। एक साथ में आज 3 सेक्टर से जुड़ रहे एयर एशिया, सूरत जुड़ रहा है जो बहुत अच्छा मैसेज है। आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, 75 साल के डेवलपमेंट के बाद में 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा उसकी शुरुआत हो चुकी है। कोई भी कनेक्टिविटी हो, एयरलाइन से हो, रेलवे से हो, रोड से हो, वाटरवेज हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड पूरी डेवलपमेंट की प्लानिंग चल रही है। इकोसिस्टम से सरकार काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ में यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट सबसे ज़्यादा और इंटरनेशनल फ्लाइट का भी कनेक्शन मिल जाए, ऐसे मेरी शुभकामना है। मैम, खास करके जो है यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी डिमांड है कि सूरत टू लखनऊ और सूरत टू पटना जो है बनारस, वो चालू अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इस मामले में क्या कुछ आप कह रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुन के, क्योंकि पटना, बिहार और यूपी और इसके साथ में नॉर्थ ईस्ट में आज़ादी के इतने सालों में एयरपोर्ट का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ही नहीं था। जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट का ओपनिंग अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों हो रहा है और सारे टारगेट लेके चल रहे हैं कि आने वाले ये 2-3 साल में कितना हम लोगों को अचीव कर पाएंगे। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता जाएगा, ऐसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, प्राइवेट एयरलाइन हो और इसके साथ में जितने भी सेक्टर है वो शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच पब्लिक लाइफ में जुड़ने के लिए। तो ये थी सूरत शहर की जो है एमपी दर्शनाबेन जरदोश। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य टेक्सटाइल और रेलवे मंत्री भी हैं, ऐसे में एयर एशिया से दिल्ली से चलकर सूरत अभी जस्ट यहाँ पर पहुँची है और उनके साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक लाइफ की जो टीम है वो जुड़ी थी। इसके अलावा जो है सूरत शहर के जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उनका डिमांड था कि सूरत टू बनारस, इसके अलावा पटना और लखनऊ भी अगर यदि फ्लाइट चालू होती तो कहीं ना कहीं सूरत के जो व्यापारियों को आसानी से जो है आवागमन जो है करने में उनको एक सक्षम जो है हो सकता है। इस पूरे मामले में दर्शनाबेन ने बताया कि जब इसके पहले जब बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है जो एयरपोर्ट का था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। यही वजह है कि अब तक जो है पटना और लखनऊ की बात करें या फिर आप बनारस की बात करें तो हाल में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस वहाँ के जो एयरपोर्ट है वो लगातार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू कर दिया गया है। जल्द ही तमाम जो एयरपोर्ट है वहाँ यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। सूरत से कैमरामैन निखिल के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।